हेलो गाइस, कैसे आप सब? होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आपको जैसे पता ही है कि मैं उत्तराखंड आ रखा था, तो मैं अभी अपने घर जा रहा था, तो मुझे रास्ते में कोलू दिखा। कोलू मतलब जहाँ पर गुड़ बनता है, और जैसा कि मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये गन्ने से बनता है ये गुड़, और यहाँ पर पूरा प्रोसेस चल रहा है पीछे। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या क्या होता है, कैसे बनता है गुड़। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, आपका नाम? मेरा नाम है शमीम मलिक। हाँ जी मलिक साहब, ये जो गुड़ बनता है जी, इसका बताइए हमें कैसे बनता है ये पूरा गुड़। तो यहाँ से तो गन्ने लगते हैं जी, ये करेसर चल रहा है, गन्ने लग रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से गन्ने लगा के वहाँ से रस जाता है। अच्छा, कहाँ से जाता है आप दिखा जी? मैं बताऊँ आपको, यहाँ से जाता है, इधर आओ, ये रस इधर से जा रहा है जी, उसमें टैंक में रस जा रहा। टैंक में से रस जाने के बाद और उधर कढ़ाई में जाएगा पहले। जी। अच्छा जी, फिर कढ़ाई में जाएगा। चलो जी, फिर आगे बढ़िए, आ जाओ। कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? ये तो हमको जी 25 साल हो गए जी इसी काम को करते हुए। जी। ये पाती पतोर जो सकेर के लाते हैं खेत में से, और ये खोई वगैरह बेच लेते हैं। अच्छा, हाँ ये जलाने के काम जी, जलाने के काम में वो पत्ती आती है जी। अच्छा जी, और एक तरफ से बताइए, पहला स्टेप क्या है जी? इधर से मतलब इधर से पहले इसमें आएगा? हाँ जी, पिछले बर्तन में आएगा सबसे पहले, इसमें मतलब अधूरा पकेगा, फिर इसमें दूसरे नंबर में साफ हो जाएगा, तीसरे में फाइनल हो जाएगा। ये इसमें कुछ मिलाते हुए नहीं जी, कोई बिल्कुल कोई केमिकल नहीं है जी, शुद्ध है जी। अच्छा, शुद्ध गुड़ है जी बिल्कुल। इसके बाद और फिर उस पर चाक पे जाता है, चाक पे ठंडा सा करके फिर टिन्नों में भरा जा, सब खाने का माल बनता है जी। वो सब खाने में जाता है माल जी। किलो यहाँ से तो आपको बताऊँ बात, 25-26 रुपए किलो बिक रहा है जी यहाँ से तो गुड़ियो, यहाँ से ना? हाँ जी। अच्छा, और बाहर में पता नहीं 40 बेचो 35 बेचो कि क्या भाव बेचो, यहाँ से तो 25-26 रुपए के रेंज में बिक रहा जी। आप मंडी में नहीं ले जाते जी? ना, यो मंडी में नहीं जाता जी माल, यो डायरेक्ट गुजरात या बंगाल या कलकत्ता जाता है। हाँ जी, हाँ, वर्धमान वगैरह जा उधर जी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक कोलू में ले आया हूँ जहाँ गुड़ बनता है, तो आपको दिखाता हूँ गुड़ कैसे बनता है। गुड़ बनाने का पूरा प्रोसेस आपने देखा नहीं होगा, मैं आपको दिखाता देता हूँ। ये मशीन है, ये बिजली द्वारा चलती है, यहाँ से इसमें गन्ना डाला जाता है, और ये इससे भूसा निकल के कैटर में भर के आगे ले जाता है। और ये यहाँ पर गन्ना डाला जा रहा है इस मशीन में, यहाँ से डाला जाता है और ये यहाँ से इसमें निकलता है, इसको ये यहाँ से सीधे टैंक में चले जाते हैं, टैंक में यहाँ जमा होता है और फिर वहाँ गुड़ बनता है। आप देख सकते हैं यहाँ से जी, ये यूट्यूब चैनल पर आएगा। और ये इसके बाद ये जो ये भूसा है, ये पत्तियां, गन्ने की पत्तियां हैं, ये यहाँ जलाने के काम आता है। आप देख सकते हैं कि एक आदमी इसमें लगातार गन्ने का ये डाला जाता है, ये डालना भाई अंदर करके छोड़ देना जरा, ये इधर से फिर रोक दें, ये यहाँ जलता है, बहुत गर्म होता है, इसके बाद ये यहाँ गन्ना उबलता है। इधर भी दिखा देता हूँ, और इसकी जो राख है वो बाद में यहाँ से निकाली जाती है, यहाँ नीचे से। ये भिंडी होती है, ये भिंडी का पौधा होता है, इसके रस से ये इसमें डाल के ये गंदगी छन जाती है, इसमें कोई केमिकल नहीं होता, इसे पूरी गंदगी छाड़ के ये इसमें से भी इसमें रखा जाता है,
यहाँ से भी टपकता रहता है। इसका दूसरा प्रोसेस ये है, ये गन्ना यहाँ पर साफ हो गया है, ये साफ होने के बाद ऐसा आ जाएगा, उसके बाद ये तीसरा स्टेप है, ये लगातार उबल रहा है और उसके बाद ये इधर ठंडा किया जाता है। गुड़ को निकाल के ये ठंडा करने के लिए यहाँ पर रखा गया है, ये ठंडा हो जाएगा तो फिर उसके बाद गुड़ तैयार हो जाएगा और ये बाहर इन कनस्तरों में रख के बाहर एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि गुड़ कैसे बनता है, इसको यहाँ से निकाल के इसको गुड़ तैयार हो जाता है। ये पूरे गुड़ की फैक्ट्री आप देख सकते हैं, इसको कोलू बोलते हैं ना, कोलू, ये कोलू है, मतलब ये मशीन से कम मैन्युअली ज़्यादा है, ये खाली गन्ने का रस मशीन से निकाला जा रहा है, बाकी ये सब मैन्युअली गर्म हो रहा है और ये बहुत शुद्ध गुड़ है एकदम से। आज के लिए दोस्तों इतना ही, अगले वीडियो में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। इसके बाद कढ़ाई को ऐसे खाली किया जाता है और दूसरी कढ़ाई है, तीसरा प्रोसेस है, इसके बाद इससे गुड़ जो है ठंडा होने के लिए रखा जाएगा। ये कढ़ाई कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर छान छान इसको, अरे मेरी फोटो वहीं ले लेना, मैं वहाँ खड़ा हो जाता हूँ। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप आगे। अब इससे तो गंदे की छांट है, जरा अमन इधर, ये नंदर अभिनारी भी इसमें से जो भिंडी का रस डाला जाता है, भिंडी के पौधों का रस, इसके बाद ये गंदे की अलग हो जाती है और इस गंदे को इसमें छांटा जाता है। ये नंदराज भंडारी भी यहाँ पर लग गए हैं प्रोसेस पे। कर 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 ऐसे करना, ऐसे ऐसे अब इधर देख, मेरे को दिखा रहे ना भाई साहब।
इसमें गुड़ सुखाया जाता है, आप देख सकते हो जैसे सूख जाएगा बिल्कुल हार्ड हो जाएगा तो गुड़ हमारा तैयार हो जाएगा। उसके बाद ये इससे इसमें डाला जाता है, हाँ तैयार। तो आप मेरे हाथ में देख सकते हो गुड़, ये बिल्कुल शुद्ध गुड़ है जो मुझे अभी भी मिला है, और खा के देखते हैं। बहुत बढ़िया है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।